आज का जो हमारा प्लान है 22x50 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हमने एक 2BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ, हम देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ है 22 फीट की है, एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 50 फीट की है। फर्स्ट हम यहाँ से एंटर करेंगे हमारे पार्किंग एरिया के अंदर। इस पार्किंग का जो हमारा साइज होगा वो 10x13 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 13 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ पार्किंग के ही राइट साइड में हमने एक छोटा सा पोर्शन प्रोवाइड किया है, इसको हम गार्डनिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। इसका जो हमारा साइज होगा वो 11x6 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 11 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 6 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन हमने आउटसाइड से स्टेयर्स प्रोवाइड किया है, यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ होगी वो 3 फीट वाइड होगी, 3 फीट वाइड हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किया है, यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। देन हमने यहाँ पे एक स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं, स्टेप्स हम एंटर करेंगे हमारे सिट आउट एरिया के अंदर। इस सिट आउट का जो हमारा साइज होगा वो 10x4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग रूम के अंदर। इस लिविंग रूम का जो हमारा साइज होगा वो 10x15x6 इंचेस का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 15x6 इंचेस हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ लिविंग रूम के ही फ्रंट में हमने डाइनिंग का एरिया प्रोवाइड किया है। इस डाइनिंग का जो हमारा साइज होगा वो 10x7x6 इंचेस का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7x6 इंचेस हमारी इसकी लेंथ होगी। देन डाइनिंग के ही फ्रंट में हमने किचन का एरिया प्रोवाइड किया है। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 10x8 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 8 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमारा फर्स्ट बेडरूम प्रोवाइड किया है, यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम जो हमारा एक मास्टर बेडरूम है, इस बेडरूम से अटैच हमने एक WC एंड बाथ प्रोवाइड किया है। इस बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10x6x11 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 11 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे WC एंड बाथ में। इसका जो हमारा साइज होगा वो 10x6x4 फीट का होगा। जिसमें कि हमारा 10x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम भी जो हमारा एक मास्टर बेडरूम है, इस बेडरूम का जो हमारा साइज होगा 10x6x16 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 16 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस बेडरूम से जो अटैच हमने WC एंड बाथ प्रोवाइड किया है, इसका जो हमारा साइज होगा 7x4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 7 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जो हमारा मेन डोर है जिसको हमने MD से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 8 फीट इसकी हाइट होगी। देन जितने भी डोर्स को हमने D से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 2x6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए हैं, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने W1 से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 1100 स्क्वायर फीट का होगा, एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 12-15 लाख के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि एक 22x50 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने एक 2BHK प्लान किया था।